एक तो यह है कि संजय जी की जो जो आपने कहा कि जागरण तो हुआ है, अब जैसे कि मेरा जैसा व्यक्ति भी हिंदू नववर्ष तो नहीं मनाया करता था, लेकिन इस साल मैंने ही मनाया है और सबके ध्यान में अभी रहने लगा है। तो उस तरह का जागरण हुआ है, लोग जो है अवेयर हो गए हैं, बहुत ज्यादा चेतनशील हो गए हैं अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी धार्मिक परंपराओं के बारे में, और वो एक जागरण हुआ है, निश्चित तौर पे हुआ है। और ये जो जागरण हुआ है उसका जो आपने कहा कि प्रतिक्रिया ही आप देखेंगे आप, तो प्रतिक्रिया वो होनी थी, वो हमेशा होती है वो, क्योंकि जो अशराफ क्लास जिसको आप कहते हैं वो, और उस दिन फैजी जी थे आपके साथ तो उसमें भी चर्चा हो रही थी कि वह अशराफ क्लास जो है, जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो उसको एक भय का माहौल क्रिएट करने का प्रयास करता है, जिससे कि जो इनके जो फुट सोल्जर हैं, जो जिनको कभी कुछ लोग लंपट कहते हैं, और जो एक नया पसमांदा वाला जो विचार विमर्श चल रहा है आजकल, वो तो उनको वो आगे करके और उसके बाद उनको ये बता कि देखो ये हमारे धर्म इस्लाम के ऊपर ही आक्रमण हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, उसको उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे यही आधार होता है जनरली, जहां भी दंगे होंगे होते हैं उसके अंदर यही प्रयास इन लोगों का होता है कि इस तरह की परिस्थिति बनाया जाए जिसमें कि आक्रमण हो। और ये हमेशा ये इतिहास गवाह है कि जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो आक्रमण पहले जो जिहादी तत्व हैं वही करते हैं। उनका बहाना ये होता है कि देखिए आप हमारी नमाज जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व नहीं है जो तत्व है, हिंदू समाज में भी ऐसे तत्व है जो कभी कभी डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है अभी, जो जिस तरह का मैं जागरण देख रहा हूँ उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो तत्व उतने हावी नहीं रहे हैं इन जुलूसों में और इन शोभा यात्राओं में। सामान्य तौर पे जो हिंदू होता है वो इसमें रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अभी भी दूसरी तरफ से ही किया जा रहा है, और इसके अंदर एक पूरा एक नेटवर्क है जिसमें आप लोग, हम लोग सारे लोग बात करते रहे, सारा देश बात कर रहा है PFI की, SDPI की, इसके बाद मुल्ला मौलवी नेटवर्क है। ये सारा नेटवर्क जो है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये कर रहा है, और उसे करने का उद्देश्य यह है कि उसको लगता है कि अगर हम अब नहीं करेंगे तो हमारा मान मर्दन हो जाएगा। इसमें और कोई डर नहीं इनको, नहीं है इनको ये चिंता नहीं है कि इनके किसी मस्जिद को कोई हाथ लगा देगा, इनको ये चिंता नहीं है कि इनके किसी मुसलमान को लोग कुछ कर देंगे। इनका यह है कि मान मर्दन, इनका उनको लगता है कि हिंदुओं के आगे, जो हिंदू हमारे गुलाम रहे 800 साल तक, ये जो शुक्रवार को जो इनके जुम्मे की नमाज में जो वहां पे खुतबे जो पढ़े जाते हैं उसके अंदर जो बार बार उनको रिमाइंड कराया जाता है कि अरे तुमने राज किया है, तो इनकी हिम्मत कैसे होती है कि ये तुम्हारे सामने चले आए। और इसको जो परपेचुएट किया गया 1947 के बाद भी, जिस तरीके से परपेचुएट किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने परपेचुएट किया, पॉलिटिकल क्लास ने परपेचुएट किया कि हाँ साहब इनको हम एक 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 प्रिविलेज क्लास हम बना के रखेंगे, और वोट बैंक ही नहीं, एक जनरल तौर पे ये मान लिया गया कि प्रिविलेज क्लास है। एक कहीं ना कहीं से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ये हीन भावना रहती है कि हाँ इन्होंने तो हमारे ऊपर 800 साल राज किया है तो ठीक है इनको ये थोड़ा सा ये प्रिविलेज मिलना चाहिए। ये जो सिलसिला चलता रहा है, इनको लगता है कि वो सिलसिला खत्म होने वाला है, जो आपने कहा कि इनका जो वीटो है वो खत्म होने वाला है, ये इनको चिंतित करता है, और उसके लिए ये एक रिस्पांस जो है ये देने की कोशिश करते हैं। और अब उसमें यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिस्पॉन्स है। एडमिनिस्ट्रेशन, अगर प्रशासन जो है उसकी मानसिकता अगर नहीं बदल रही है, और प्रशासन ये मान के चलता है कि हाँ इस वीटो के हकदार हैं ये, और उस दृष्टिकोण से ही वो अपनी सारी योजनाएं बनाता है और जहां पे जिस तरीके से इनको अपनी कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं करता है, जैसे कि अभी जो दिल्ली में जो हुआ है उसके अंदर पूरी तरह से प्रशासनिक फेलियर है, पूरी तरह से असफलता है। और जी आप प्रशासन में रहे हैं तो आप जानते हैं कि जब आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है, आप देख चुके हैं कि रामनवमी के जुलूसों पे, रामनवमी की शोभा यात्राओं पे आक्रमण किए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में जो 2 साल पहले ही वहां दंगे हुए हैं और भीषण दंगे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए था। तो दिल्ली की पुलिस और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे थे, और पता नहीं दिल्ली राज्य की भी CID की
ब्रांच होती है कि नहीं, या वो आईबी ही उसको देखती है? नहीं, ये नहीं, उनकी उनकी स्वयं की सीआईडी होती है, उनकी अपनी दिल्ली राज्य की सीआईडी है, तो उस सीआईडी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जो है वो सर्वाधिक शक्तिमान पुलिस कमिश्नर है, क्योंकि वो पुलिस कमिश्नर एंड डीजीपी दोनों है। बताइए, दिल्ली अकेला ऐसा स्थान है जहां पर पुलिस कमिश्नर और डीजीपी एक ही होता है, और दिल्ली केंद्र है, आईबी की का ऑफिस वहां है, आपका जितनी भी आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सबका केंद्र दिल्ली है, और आपको इस बात का पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। और ये अगर कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, वो झूठ बोल रहा है। अगर पुलिस के लोग भी अगर ये मान के चल रहे थे, इस प्रिजम्पशन के साथ चल रहे थे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, एकदम सरासर झूठ है, बेईमानी है। समाचार अभी अभी आया है कि दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, जो FIR दाखिल की है, और अभी कोर्ट को बताया है उन्होंने रिमांड के समय कि ये प्री प्लान्ड था। हाँ, अब ये प्री प्लान्ड कह रहा है। इसके बाद देखिए, अभी ताजिंदर बग्गा वगैरह इन सारे लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया कि देखिए 9 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ वो विजुअल आ रहे हैं जिसके अंदर हजारों लोग जो है वो इन्वॉल्व है उसके अंदर। 9 लोग गिरफ्तार हुए अभी तक, किस तरह की गिरफ्तारी है? फिर कहा गया कि पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया। फिर मैंने देखा किस तरह के पुलिसमैन थे, वही छोटी लाठी लेके और एक जो उनका कवच जैसा होता है वो लेके वो पुलिस बंदोबस्त तुरंत बढ़ाए हुए पुलिस वाले लोग जो है वहां लाइन में खड़े करके वो पुलिस नया पुलिस बंदोबस्त किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स कहाँ है? रैपिड एक्शन फोर्स कर रही आ गई, कल ही आ गई थी। हाँ, कल आई है, लेकिन प्रोसेशन के समय में रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं वॉक कर रही थी इनके साथ? तो ये अगर आप सजग नहीं है, आप सतर्क नहीं है, और आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में कई घटनाएं घट चुकी हैं। दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर लंबे लंबे भाषण देते हैं। एक भाषण उन्होंने दिया कि साहब हमने दिल्ली दंगों के अंदर 2,500 लोगों को गिरफ्तार किया, उन 2,500 लोगों के अंदर हिंदू ही ज्यादातर गिरफ्तार हुए हैं मेरा जहां तक आकलन है। उनको गिरफ्तार इस आधार पर आपने किया कि वो भी दंगाई थे। कैसे दंगाई थे? उन्होंने क्या प्लान किया था, योजना बनाई थी? उन्होंने अगर मान लीजिए रिटेलिएट किया डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में, उसका एडवांटेज उनको नहीं मिलना चाहिए? दूसरी तरफ जो है जो दंगाई है, जो प्लान करके जिन्होंने दंगे ऑर्गेनाइज किए, उनके लिए सलमान खुर्शीद वकील के तौर पर जाके खड़े हो जाते हैं। और हम इस तरफ के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, खटिक समुदाय के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों को कोई समर्थन करने वाला नहीं है। और होम मिनिस्टर का दावा है कि हम तो बड़े निष्पक्ष हैं। किस बात के लिए निष्पक्ष हैं? इसी बात के लिए निष्पक्ष है कि जब हिंदू प्रोसेशन निकल रहा है तो उसकी सुरक्षा भी नहीं आप प्रदान कर सकते? फिर यहां ट्विटर पे कुछ चर्चा होनी शुरू हुई कि देखिए ये तो कर्नूल में भी हो रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर। हमने कहा और कर्नूल में हो रहा है तो उसका भी दोष अमित शाह को दिया जाए क्या? हमने क्यों नहीं दिया जाए? कहीं भी इस देश के अंदर हो रहा है तो गृह मंत्री को उसका दोष लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो इस तरह से सोए हुए चल रहे हैं। आपने पूरी तरह से अपनी अंडरबेली एक्सपोज कर दिया। आपने अंडरबेली जो है वो सीए आंदोलन के दौरान एक्सपोज की, आपने फार्मर्स एजिटेशन के दौरान एक्सपोज की। आप जैसे लोग, संजय जी, आप सारे लोग इंगित करते रहे, बाकी लोग भी बोलते रहे, प्रकाश सिंह है, बाकी सारे लोग भी बोलते रहे, इनसे लोग ट्वीट करते रहे कि साहब ये बड़ा गंभीर मसला है, आप मत जो प्रशासनिक कार्य जो होता है उसके अंदर आप कोताही मत करिए। और इन्होंने कोताही की क्योंकि उनको कुछ राजनीतिक अपना मैसेज देना था, एक राजनीति। जब एक किसी नेतृत्व का फितूर जो है वो सामान्य प्रशासन के ऊपर हावी हो जाएगा तो ऐसी ही परिस्थितियां बनेंगी और दिमाग चढ़ेगा ऐसे लोगों का जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश के अंदर जो है अफरा तफरी बचाना चाहते हैं और बड़े बड़े ही ऑर्गेनाइज नेटवर्क तरीके से करना चाहते हैं। तो आप अपने फितूर के आधार पर अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना चलाएंगे, जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको भी फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम? जी हाँ, ये बात समझने वाली है और ये सभी के समझने वाली है, और मैं बार बार इसको इसके ऊपर जो है इंगित कर रहा हूँ कि कानून का होना और कानून का अनुपालन करवाना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसीलिए हमारे कुछ वकील मित्र हैं जो कहते रहते हैं कि कानून घटिया है। मैं उनसे कहता हूँ कि कानून तो बहुत सारे अच्छे अच्छे भी हैं, उनकी अनुपालना कौन करवा रहा है? उदाहरण, यही कानून उत्तर प्रदेश में है, बगल में गाजियाबाद है जी। बगल में नोएडा है, बगल में मेरठ मुजफ्फरनगर जैसे कम्युनली सरचार्ज्ड और सेंसिटिव क्षेत्र हैं जहां पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ शोभा यात्राएं निकली हैं।
जी उसके बगल में उत्तराखंड है। जी आज उत्तराखंड में भी एक इंसिडेंट हो गई, जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे, यानी जी कि दादा जलालपुर नामक एक स्थान है रुड़की और बेहट के बीच में, सहारनपुर बॉर्डर पे, और दिल्ली में हो गई और भी स्थानों पर हो गई। और उत्तर प्रदेश जो कि पाकिस्तान का एपिसेंटर है, यानी मैं पाकिस्तान केवल टेरिटरी को नहीं मानता, मैं पाकिस्तान उस आइडिया को भी मानता हूँ जो आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ पाकिस्तान के रूप में, और आज भी वो कमोबेश कम से कम अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास के दिमाग में तो पूरी तरह से कायम है। बिल्कुल वहां कुछ नहीं हुआ, वहां तो लोग बाग आके फूल बरसा रहे हैं प्रोसेशंस पर। और ऐसा नहीं है कि वहां प्रयास नहीं किया गया होगा संजय जी, वहीं सबसे तगड़े प्रयास किए जाते हैं कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश अगर डिस्टर्ब हो गया तो हम सफल हो जाएंगे। वहां प्रयास तो बहुत किए गए होंगे लेकिन उन प्रयासों को विफल किया गया है। इसका मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को देखा है, इंश्योर किया है कि हम नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। तो जो मैसेज गया है इस्लामिस्ट को, जिहादियों को, कि बड़ी लंबी बड़ा लंबा दाम देना पड़ेगा इसका अगर कुछ भी नाटक करेंगे। तो ये परिस्थिति दिल्ली में नहीं हो सकती थी क्या? ये दिल्ली खरगोन में, ये परिस्थिति खरगोन में नहीं हो सकती थी क्या? ये परिस्थिति जो है उत्तराखंड में नहीं हो सकती थी क्या? लेकिन आप जो है कंधे पे हाथ रख के घूम रहे थे उस दिन मोदी जी योगी जी के जैसे सिखा रहे हैं, बालक बालक हो योगी जी, आप क्यों नहीं आप उस बालक से कुछ सीख रहे हैं? आप हिमंता बिश्वा शर्मा से अमित शाह क्यों नहीं सीख ले रहे हैं? इनको सीख लेने के लिए नहीं है क्या? ये दूसरी तरफ से सीख नहीं लेते हैं? इनके इर्द गिर्द परिक्रमा जो करते हैं लोग उन्हीं से सीख लेते हैं क्या? ये एक उदाहरण उदाहरण जो प्रस्तुत हो गया है उत्तर प्रदेश का, उससे सीख लीजिए कि कैसे कंट्रोल किया जाता है ये सब। बुम्बई सीख ले रहे हैं ना, बाकी सारे लोग सीख ले रहे हैं। अब बुलडोजर की सीख नहीं लेनी है, सीख लेना है कैसे आप पूरे तंत्र का इस्तेमाल करके ये जितने जो हमारे जो देश तोड़क तत्व हैं उनको काउंटर रिस्पांस दिया जाए और कैसे उनको कंट्रोल किया जाए। और ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानता, दिल्ली का भी एडमिनिस्ट्रेशन जानता है कि उसको कैसे किया जा सकता है, उत्तराखंड का एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है कैसे किया जा सकता है। लेकिन आपने लचर प्रवृत्ति आपने बना दी, आपने उदाहरण सेट कर दिए, उस उदाहरण को सब लोग फॉलो करने लगते हैं। आपने एक बार नारा दे दिया सबका विश्वास, तो सब लोग उसको फॉलो करने लगते हैं क्योंकि सबका काम यही है कि हम नहीं रिपीट करेंगे उसको, तो मोदी जी नाराज ना हो जाए, अमित शाह नहीं नाराज हो जाए, वो कहेंगे देखिए हम लोग कह रहे हैं ये लोग उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो आप सब कुछ कहीं भी जो जमीन से आपको जो सूचना मिल रही है, जो धरातल से आपको खबर जा रही है, उस फीडबैक का आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं संजय जी की आनंद रंगनाथन जैसा व्यक्ति, उसका ट्वीट मैंने देखा। इनको भी देखना चाहिए, अमित शाह को भी देखना चाहिए, मोदी जी को भी देखना चाहिए और सबको देखना चाहिए। उस ट्वीट में पहली बार आनंद रंगनाथन जैसा व्यक्ति कह रहा है कि अगर तुम नहीं संभाल सकते तो रिजाइन करो। इस हद तक हम सब लोगों का फ्रस्ट्रेशन है और ये फ्रस्ट्रेशन इनके इन तक नहीं पहुंच रहा। आप उस दिन बात कर रहे थे ना कि ये अपॉइंटमेंट तक नहीं देते, उमेंद्र रत्तू रत्न वाला ही केस रहा होगा वो। ये जो सीएओ को लेके है, ये लोग मिलना चाहते हैं इनसे, इनको फीडबैक देना चाहते हैं, ये अपॉइंटमेंट नहीं देते। इतना दिमाग चढ़ा हुआ है, संभाल नहीं सकते कुछ भी, इतना दिमाग चढ़ा हुआ है। गुजरात के अंदर पिटना शुरू हो गए हैं लोग हिंदू आजकल, इनके सिपाही मारे जाते हैं, दौड़ा के मारते हैं सब जिहादी और वो पिटते हैं बेचारे सिपाही इनके, छोटा सा डंडा लेके उनको मैनेज करने के लिए भेज देते हैं। ये हमारे देश के होम मिनिस्टर है। तो जब ऐसे होम मिनिस्टर आप हैं, लचर हो गए हैं आप, कमजोर है, आपकी दुनिया भर के फितूर आपके दिमाग में चल रहे हैं, उस फितूर के आधार पे आप प्रशासन कुछ रन करना चाहते हैं तो कैसे चलेगा काम? कैसे आप कंट्रोल करेंगे इन जिहादियों को? और परिस्थिति बिल्कुल 1946-47 वाली है, इसको ये मान के चले। अगर ये नहीं मान के इनको चल रहे हैं तो ये मूर्ख है। बिल्कुल 1946-47 वाली परिस्थितियों का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है और इनका जो काउंटर रिस्पॉन्स उसका उस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जी हाँ, वैसे कुछ तो ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन तो आया है, क्योंकि अभी मोहन भागवत जी के जो कुछ उद्बोधन हुए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई अहिंसा के साथ साथ डंडा लेके भी चलना आवश्यक है। इसको जो है आज विपक्ष द्वारा कोट भी किया जा रहा है और उसको जो है रिलेट किया जा रहा है कि साहब की ये अहिंसा के पुजारी जो है ये डंडा लेके चल रहे हैं, इसलिए
पंगे हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रोवोक हो जाते हैं। अच्छा, प्रोवोक होना बहुत आसान है। किन से प्रोवोक होते हैं? प्रोवोकेटिव स्लोगन्स की जब बात करता है मीडिया, तो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स मैंने लिस्ट किए, वो तीन प्रोवोकेटिव स्लोगन्स है। एक का नाम है भारत माता की जय, जिसका मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूँ। मेरे सामने जब मैं SDM था, आज से 30 साल पहले, लगभग 40 साल पहले, तब भारत माता की जय पर मस्जिद से हमला हो गया था। भारत माता की जय के अलावा कोई नारे नहीं लगा रहे थे, फिर भी हमला हो गया, और वो भी पहले से तय था कि नहीं भाई, ये इस आपस में तय होके, पीस कमेटी वमेटी होके सब। दूसरा नारा है वंदे मातरम, और तीसरा नारा है जय श्री राम, जय श्री राम। आपका तो ये जो है, ये प्रोवोकेटिव नारे हैं। क्यों हैं? वो मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये आप फंडामेंटलिस्ट तक सीमित मत रहो, फंडामेंटल पर जाओ। ये समय आ गया है कि आपको फंडामेंटल्स को फेस करना पड़ेगा जी। और ये प्रोवोकेटिव नारे आपने तो दिए नहीं थे, ये प्रोवोकेटिव नारे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे ख्याल से तेलंगाना के पुलिस अफसर थे, कहां के, राजस्थान के पुलिस अफसर थे, उन्होंने कोई लिस्ट दी कि साहब इनके नारे जो हमारे DGP साहब, राजस्थान के DGP साहब लाठर साहब, हाँ तो DGP साहब ने इनको प्रोवोकेटिव माना। ये प्रशासन की स्थिति है, और प्रशासन जो गाइड हो रहा है गहलोत साहब से। एक बार और बता दूं आपको, लाठर साहब का जो पूरा स्टेटमेंट था, जो FIR फाइल हुई है, उसके बिल्कुल विरोधाभासी था, पूरी तरह से विरोधाभासी था। इससे स्पष्ट था कि वे जो थे वो एक डायरेक्टर जनरल पुलिस के रूप में नहीं, अपितु एक राजनेता के गुलाम के रूप में बिहेव कर रहे थे। बिल्कुल, तो वो मतलब कि अपना जो कहते हैं ना, मस्का पॉलिश कर रहे थे गहलोत की, इस तरह के स्टेटमेंट देके जो उनको सूट करते हैं। लेकिन उसमें भी एक्सपोज हो गए ना, जब उन्होंने ये इन तीन नारों का उसमें उनको उद्धृत किया, तो उसमें एक्सपोज हुए उसके अंदर, कि ये नारे अगर लोगों को प्रोवोक करने लगे। देखिए, मैं रहा हूं कभी कभी हमारे यहाँ बलिया में, जब महावीरी झंडा निकलती थी, तो जो उनका जो मेन मस्जिद था, मस्जिद की बलिया की, तो एक इंसिस्टेंट होता था हिंदू ग्रुप्स का कि हम जाएंगे, और वो इंसिस्टेंस, उसका कारण एक ही था संजय जी, क्योंकि ये इंसिस्ट करते हैं कि हम जब मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे तो हम मंदिर के सामने से जाएंगे ही जाएंगे। ये इंसिस्ट करते हैं हमेशा, जो मार्ग ये चुनते हैं, अपने मन का मार्ग चुनते हैं, और पुलिस उसके लिए सारी सुविधाएं इनको प्रदान करती है, उस मार्ग से इनके जुलूस निकलते हैं। उसमें बहुत रेयरली, बहुत रेयर केसेस में कभी कोई कोई ऐसी कोई घटना घट गई हो जिसमें किसी ने उनको रोका हो या कुछ किया हो। इसलिए हिंदू ग्रुप भी कहते हैं कि हम भी जाएंगे, हमारी भी जिद है, वो अपने आप को असर्ट करते हुए इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम हमारा ही मान मर्दन क्यों। तो इस देश के अंदर जो है, हिंदू बहुल देश के अंदर हिंदुओं का ही मान मर्दन होगा, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम भी जाएंगे साहब। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से उसको तौर तरीके से समझाता है। उसमें कभी कभी होता है कि ये ग्रुप जो है थोड़ी देर के लिए वहां रुक गए, लेकिन आप इतने प्रोवोक हो जाते हैं, 5-10 मिनट के लिए कहीं को ये ग्रुप रुक गया, जुलूस के निकलने में थोड़ा टाइम चला गया, उसमें आप इतने प्रोवोक हो जाते हैं, गोली चलाने लगते हैं, ढेला फेंकने लगते हैं, ढेला इकट्ठा करके आप तैयार रहते हैं कि हाँ, युद्ध तो आज होना ही है। तो ये जो मानसिकता पूरी एक कम्युनिटी की है, जब पूरी की पूरी कम्युनिटी ही वॉर मोड में हो, तब करें क्या? तो और एडमिनिस्ट्रेशन इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, इसको इसका कॉग्निजेंस नहीं अगर ले रहा है कि ये पूरी कम्युनिटी अपने आप को वॉर मोड में रख के चल रही है, जिसमें स्टाफ क्लास जो है वो प्रोवोक करता है, और जो पसमंदा क्लास जो है वो आगे आके सड़क पे लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। पसमंदा क्लास, लंपन एलिमेंट्स आके लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। दूसरा देखिए कितना ऑर्गेनाइज है, आपने देखा होगा उन विजुअल्स को, जो ये जहांगीरपुरी वाले जो केस में इन्होंने बच्चों को उतारना शुरू किया है। अधिकांश जो मैंने देखा, बहुत कम उम्र के लड़के थे उसके अंदर, जो शायद मदरसों से आए हों। एग्जैक्टली यही मोडस ऑपरेंडाई इनका, जब NTCA प्रोटेस्ट हुआ और जो आग लगाना शुरू किया गया बंगाल के अंदर, जहां रेलवे स्टेशन को और ट्रेन्स को जब आग लगाना शुरू किया गया, तो उसमें भी वैसे ही बच्चों को भेजा गया। तो फिर वहां भी एक स्ट्रेटेजी है कि साहब बच्चों को भेजेंगे तो पुलिस के सामने जो है एक समस्या रहेगी कि इनको तो जुवेनाइल मान के चलना पड़ेगा इनको, तो अगर उन्होंने कोई बहुत भयंकर भी कुछ कर दिया तो उसमें केसेस उनके बहुत लंबी सजा नहीं होने वाली है। तो हमने इस इतने घृणित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर पूरी एक कम्युनिटी बिहेव करना शुरू करे, तो आप समझ लीजिए कि 1946-47 की स्थिति आ गई है, और ये पूरा ऑर्गेनाइज, और जहां आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि PFI के लोग जहां समस्या नहीं है वहां भी समस्या खड़ी करने के लिए चले जा रहे हैं, तो फिर आप उस दृष्टि से अपनी रणनीति बनाइए
और उसको आप रिकग्नाइज बिना कॉग्निजेंस में लिए और रणनीति बना नहीं सकते। और ये जब जिस तरीके से बात करते हैं अमित शाह जी, उसको देख के लगता है कि उस तरीके से वो सोच ही नहीं रहे कि परिस्थिति इतनी गंभीर है। अगर सोचते तो ये दिल्ली में हिम्मत नहीं थी कि जहांगीरपुरी में घटना हो गई रहती अगर पुलिस सन्नद्ध और सतर्क रहती तो, लेकिन कहीं कोई इस तरह की सतर्कता नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है इसके अंदर। और लोग देखिए पूरे देश के अंदर इसको लेकर रोष है, लोग ये जान रहे हैं कि ये अब ये सीमा पार करके जा रहे हैं और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सरकार रिस्पॉन्ड करेगी। और ये सरकार जो हिंदू जो है कहीं भी एग्रेसिव होकर नहीं लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, अभी इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सरकार है अपनी, ये लोग देखेंगे अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो ये संभालेंगे। और यहाँ जब संभालने के लिए कोई रहेगा नहीं तो एक परिस्थिति आएगी इसमें हिंदू भी जाएंगे और वो भी कहेंगे हम भी लड़ेंगे साहब, हम भी तैयारी करके लड़ेंगे। उनके मन पर वो भावना जगती होगी ना कि हम क्या करें, हम ऐसे ही हेल्पलेस बैठे रहे देखते रहे सारा तमाशा कि हम पिट रहे हैं, हमें भागना पड़ रहा है, हम अपना एक भगवान का जुलूस लेके जा रहे हैं, उसमें हम जैसे भी जुलूस लेके जाए, हम जुलूस के अंदर मान लीजिए कुछ हथियार लेके जा रहे हैं, आप नहीं लेके जाते क्या? कई जगह जो है ट्राइबल कम्युनिटीज अपना जुलूस निकालते हैं तो उसके अंदर हथियार इस्तेमाल नहीं होते क्या? तो इसका कारण ये तो नहीं, हमने अटैक तो नहीं जाके करना शुरू किया, किसी ने आक्रमण तो करना नहीं शुरू किया। तो ये सारा आधार बना कि ये एलिबाई क्रिएट करके जो इस्लामिस्ट ये खेल खेल रहे हैं मीडिया के अंदर, इसको भी ध्वस्त करने का काम कौन करेगा? ये जो नैरेटिव है आप लोगों के अलावा जो है मतलब सरकार में जो बैठे हुए हैं हिंदू वोट पाके जो बैठे हुए हैं उनका भी तो काम है कि इस नैरेटिव को ध्वस्त करें, उस तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसको देखें कि ये जो खेल जो खेले जा रहे हैं गंदे खेल खेले जा रहे हैं उनको उनको रोका जाए, किसी रोका जाए और उसका एक रिस्पॉन्स दिया जाए। और अगर आप उस दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे हैं, आप एक योद्धा की तरह नहीं सोच रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? अब उसमें अब जैसे कि अब इस तरह की बात मान लीजिए कहते हैं जो मोहन भागवत जी जो जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, अब जान लीजिए इस बात को, ये स्टेटमेंट इसलिए आया है कि इनको भी थोड़ा बहुत लगा है कि थोड़ा जरूरी है ये कहना। इसका उसके ठीक बाद ही उन्होंने कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी दिए, वो भी मैंने उनको ध्यान से देखा। उसके पहले दिए थे उन्होंने कुछ दिन पहले, संवत्सर की मीटिंग हुई थी जब जम्मू में कश्मीरी पंडितों के साथ में, तब उन्होंने कश्मीरी पंडितों को सलाह दी थी श्री भट्ट का उदाहरण देते हुए कि यदि परास्त नहीं कर सकते तो प्रसन्न तो कर ही सकते हैं, प्रसन्न तो कर ही सकते हैं, बताइए। ये exactly बाद इन्होंने बदल के अखंड भारत और अहिंसा और डंडे की बात की है। अब मैंने ये प्रेशर जो बन रहा है ना, हम ये सारे समाज का प्रेशर बन रहा है, तो कम से कम ये मैं इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट मानूंगा क्योंकि उसने जो चर्चा कर रहे थे हम लोग तो उसमें मैंने यही कहा था, मैं हमेशा ये मानता रहा हूं कि नेतृत्व वो नहीं होता जो बैठ के सबको भाषण पिलाए, नेतृत्व वो होता है जो लोग जन भावना को समझे और जन भावना को समझते हुए उसके अनुसार कार्य करे। जनता से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता जनरली नेतृत्व जो है, कहने के लिए लोग कहते हैं कि भीड़ जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होती है, लेकिन जनता जनरली इंटेलिजेंट होती है, वो अपने सामने खड़े खतरों को देख रही होती है, तो उसको समझ के उसकी भावना को समझ के फिर आपको अपने निर्णय लेने चाहिए एक नेता के तौर पे। ये सुंदरता है नेतृत्व, एक नेतृत्व की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिस क्षेत्र में भी आप हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो या कहीं भी हो, कि आप जो धरातल से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका उपयोग करते हुए फिर अपनी रणनीति बनाए, अपना नरेटिव खड़ा करें, सब कुछ करें। तो अगर ये करने लगे हमारे मोदी जी भी करने लगे, अमित शाह भी करने लगे, ये सारे लोग सुनने लगे धरातल की बातों को, तो वैसे ही स्थिति में बदलाव आ जाएगा, इसके बाद कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। इसमें एक बात और भी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये सोचता है कि उसको सारे काम जो हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए करने हैं, तो हमने जब पश्चिम बंगाल में कहा था कि ये जो आप कर रहे हैं ये न केवल राष्ट्र के लिए घातक है, आपकी राजनीति के लिए भी घातक है, वो स्पष्ट होता जा रहा है। यस, आपने पश्चिम बंगाल के परिणाम देख लिए उसमें। मुझे मैंने इनका ये जो अपने अय्यर है उनका एक ट्वीट देखा तो उसमें बहुत बड़े मतों के अंतर से जीता है ये शत्रुघ्न सिन्हा, लगभग 3,00,000, 2,64,000। तो इसका मतलब ये हुआ, उसमें ये अमित मालवीय ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए फिर भी हिंदू बाहर, भारतीय जनता पार्टी के वोटर बाहर निकले, उन्होंने वोट दिया इसके बावजूद कि वहां उनके लिए समस्याएं थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था। ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग, आपने गिवअप कर लिया। उस दिन मैंने कहा आपसे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बंगाल को रिक्लेम करना है, बंगाल को आप एक चुनावी दृष्टिकोण से ही देखते चले जा रहे हैं, आप वहां की जो धरातलीय स्थिति है उसको आप समझ नहीं रहे हैं।
तो आप कैसे काम करेंगे? आपको बचाना है बंगाल को, उसको रिक्लेम करना है, उस दृष्टिकोण से आपके सारी रणनीति और आपके सारे निर्णय होने चाहिए। और आप ये समझ नहीं रहे हैं, आप अभी भी चुनाव का चश्मा पहन के घूमते रह रहे हैं। चुनाव जीत गए तो तीर मार लिया, सभ्यता हार जाए, सभ्यता पिट जाए, लुट जाए, लोग मारे काटे जाते रहे, केरल में मारे काटे जाते रहे, हर जगह करते रहे, मरते रहे, बंगाल के अंदर मरते रहे, ये बर्दाश्त करने वाली चीज है? चुनाव का उससे क्या लेना देना है? उसको तो आपको एक एक नेतृत्व के नाते आपको ये समझना चाहिए कि बंगाल को चुनाव के आधार पर नहीं, बंगाल को हमारी जो सभ्यता से जो काट के चला जा रहा है उससे उसको दोबारा रिक्लेम करना है, उसके लिए जो कुछ भी करना है करना चाहिए। तो हर चीज को आप चुनावी नजरिए से देखना शुरू कर देंगे तो इस देश को कैसे संभालेंगे आप? हमारी सभ्यता को बचाने की बात की करते रहते हैं हम लोग, उस सभ्यता को कैसे बचाएंगे आप? तो फिर तो वही हुआ ना कि आप भी एक तरीके से वोट बैंक की तरह ट्रीट कर रहे हैं हिंदुओं को, और हिंदू आपको एक अपना नेता मान के चल रहे हैं कि आप सेवियर होंगे, आप इस देश को बचाएंगे, सभ्यता को बचाएंगे, इस राष्ट्र के मूल जो मूल्य हैं उनको बचाएंगे, उनको बचाते हुए इस देश को आगे ले जाएंगे। लोग तो ये मान के चल रहे हैं ना हिंदू, ये तो नहीं मान के चल रहे हैं कि उन्होंने आपको चुनाव में जिता दिया, यही उनका काम है और आपका काम है कि चुनाव जीत के और सबका विश्वास का गीत गाने लगना। इसके लिए तो हिंदू नहीं काम कर रहा है ना, वो चाहते हैं कि आप लार्जर जो पिक्चर है वो देखिए, जो सभ्यता के स्तर पे जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो रही है उसको देखिए। न केवल ये, आप ये देखिए।